हरे कृष्णा। आज बहुत मंगलमय दिवस है। शिला जगन्नाथ भगवान जो है वह आज ने मंदिर से बाहर निकल के अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि कैसे हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या महत्व है, और उस संदर्भ में हम जो आज दो आचार्य हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राम शिवानंद सिंह, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, हम हमेशा हमारा भूत और भविष्य इनके इंटरसेक्शन के जंक्शन में रहते हैं। आवर वेरी एग्जिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन बिटवीन आर पास्ट एंड आर फ्यूचर। हमारा अस्तित्व हर पल इस इन दो, जो भविष्य में क्या होने वाला है वह हमें पता नहीं है, जो भूत में हो चुका है वह हम बदल नहीं सकते। पर जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें everything that is in history is not necessarily in memory, and everything that is in memory is not necessarily in history. History मतलब जो इतिहास है, जो भूतकाल में जो हुआ है वह क्या क्या घटनाएं हुई है, और memory स्मृति मतलब क्या क्या हमारे स्मृति में है, क्या क्या हमारे याद में है। तो अभी जब हम इतिहास, अगर उसको हम एक सर्कल बोलते हैं और जो हमारी स्मृति है वो दूसरा सर्कल है, तो साधारणतः हमें क्या क्या चीज़ें याद रहती है वह हमारी स्मृति है, पर जो भी हमारे भूत में हुआ है वह सब कुछ हमें याद नहीं रहता है। और तो ये इतिहास हिस्ट्री एक सर्कल हुआ, मेमोरी दूसरा सर्कल हुआ, और दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दोनों जहाँ पे मिलते हैं वह एक जगह हुई। तब हमें अभी मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ऐसे संशोधन किया है कि बहुत से लोगों को ऐसी यादें आती है जो हुई ही नहीं है। दीज आर कॉल्ड फॉल्स मेमोरीज। ऐसे वो लोग जानबूझ के फंसाने के लिए करते हैं, ऐसे नहीं है। पर क्या होता है कि हमारी जो याददाश्त है हमारे कल्पना से कब मिलती है, हमारे इच्छा से कब मिलती है, हमारे भयों से कब मिलती है, और उससे क्या निर्माण होता है, यह जानना बड़ा मुश्किल होता है। पर इसके विपरीत जो भी इतिहास में हुआ है, अभी इतना सब हुआ है कि हम उस सब को याद रख ही नहीं सकते। मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि एक दिन आप जो भी कार्य करते हो उस सब का हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, और अगले दिन तुमने जो भी किया है वो सब तुम दिन भर बैठ के देखो, हम 15 मिनट में बोर हो जाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड करो बोलेंगे। क्या है कि आवर लाइफ इज नॉट सफिशियंटली इंटरेस्टिंग टू इवन होल्ड आवर ओन अटेंशन, व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर पीपल्स अटेंशन। हमारा जीवन है उतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि हमारा खुद का भी ध्यान रख सके। तो इसलिए जो भूत में हुआ है वह सब हम कभी याद रख सकते हैं, उसमें मतलब भी नहीं है। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम याद रखते हैं, और यह जो है इतिहास है, हमारा खुद का एक व्यक्तिगत इतिहास है, हमारे राष्ट्र का एक राष्ट्रीय इतिहास होता है, हमारे परिवार का एक पारिवारिक इतिहास होता है, हमारे आत्मा का एक आध्यात्मिक स्तर पर इतिहास होता है। हाँ, भक्ति में आते हैं तो जिस संप्रदाय में आए हैं उस संप्रदाय का इतिहास होता है। तो अभी जो इतिहास में हुआ है उसमें कई चीज़ें ऐसी स्मृति में होती है जो हमें स्मृति में रखना ज़रूरी नहीं है। इसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे वैसे बोला, ऐसे हुआ वैसे हुआ, वह जब चीज़ें हैं वो स्मृति से निकालना ही बेहतर है। इंग्लिश में गॉसिप कहते हैं। गॉसिप का हिंदी शब्द क्या है? प्रचलपा ये तो गप्पे मार रहा हूँ, ठीक है, प्रचलप बोल सकते हैं। गॉसिप मतलब क्या होता है? व्हेन वी हियर समथिंग वी लाइक अबाउट समवन वी डोंट लाइक। जब किसी व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं और उनके बारे में कुछ पसंद करने वाली चीज़ सुनते हैं, अरे
ये अच्छा नहीं लगता, उसने ऐसे किया ऐसे किया, तुरंत हमको ये याद रहता है। तो कई चीज़ें हमारे स्मृति में है जो हमें स्मृति में रखने की ज़रूरत नहीं है, पर हमारे इतिहास में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्मृति में लाना ज़रूरी है। तो जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं हमारे संप्रदाय के कैलेंडर में, उस समय हमें क्या करना है, हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं को हमारी स्मृति में लाना है, और उससे हमारी स्मृति जो है हमारी वो और आध्यात्मिक हो सकती है। When we bring our spiritual history into our memory, then our memory becomes our treasury. जब हमारे इतिहास में जो भी आध्यात्मिक चीज़ें हुई है वो हम याद करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी जो स्मृति है वो वास्तव में हमारा खजाना बन जाता है। तो हमारे जैसे किसी के पास खजाना है बहुत, तो फिर क्या, खजाने से उसे बहुत कुछ कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उस तरह से हम अगर हमारी स्मृति में बहुत ही दिव्य आनंदमय चीज़ें भरी हुई है तो उससे हमें आनंद मिल जाता है। तो इसीलिए जब हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, कि जब हम श्रवण करते हैं कीर्तन करते हैं, उन सबका उद्देश्य स्मरण करना। तो अभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है वह उसका एक तरह से इतिहास 500 साल पुराना है, और दूसरी तरह से वो सदियों सदियों से चल रहा है। क्या है, जो भगवान की भक्ति है वह तो सनातन है, पर उसका प्रकटीकरण अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग समय पे होता है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का ये उत्सव जो है यह हमारे संप्रदाय में बहुत महत्वपूर्ण है। किसके तीन प्रधान कारण हैं, सबसे पहले कि चैतन्य महाप्रभु जो हमारे संप्रदाय के संस्थापक है, प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संस्थापक आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है वो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक है। तो वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, और वहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। तो वो कहाँ रहते थे, ये पहला कारण है। दूसरा है कि उनका भाव क्या था, और जो उनका भाव था वही रथ यात्रा का एक भाव है। और तीसरा है कि जो उनका कार्य था, विशेष कार्य से ये नासी जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मितः, चैतन्य चरितमृत में बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे ननर्तयः, तो उससे सारा विश्व आश्चर्यचकित हो गया और विस्मित हो गया, और उसके साथ जगन्नाथ जी भी स्वयं विस्मित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु को उसे बताया था कि यूज़ द डांसिंग गॉड, और तो जो उन्होंने रथ यात्रा में नृत्य करना कि जो पद्धति है उसको बड़ा विस्तारित किया, और वह हरिनाम संकीर्तन इस तरह नगर संकीर्तन जो है हमारी संस्था का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग हो गया है। तो इस तरह से द प्लेस द पर्पस एंड द प्रोसेस, ये तीन चीज़ों के कारण जो है वह चैतन्य महा गौड़िया संप्रदाय में रथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इन तीन चीज़ों को आप देखते हैं धीरे धीरे। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु कितने साल हमारे साथ थे इस भौतिक जगत में, सॉरी 48 साल, थैंक यू। तो उसमें से कितने साल वे मायापुर में थे, 24 साल, यस। उसके बाद में वो कहाँ आए, पुरी आए। तो 24 से 48 साल तक उनका जो बेस था वो पुरी था, उसमें से अगले 6 साल थे उन्होंने ट्रैवल किया, प्रवास किया, पर तभी भी जहाँ भी जाते थे पुनः पुरी ही आते थे। तो लगभग चैतन्य महाप्रभु कह सकते हैं कि 23 से 24 साल वो रथ यात्रा में सहभागी हुए थे। तो अभी जब चैतन्य महाप्रभु, अभी हम देखते हैं कि मतलब कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति को प्रदर्शित करने के बाद सबसे ज़्यादा जो जगह समय जहाँ पर बिता वो है जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी क्यों, चैतन्य महा अभी जब भगवान कोई कार्य करते हैं उसके अलग अलग कारण होते हैं। तो एक बाह्य कारण होता है, एक अंतरंग कारण होता है।
तो एक दूसरे कहते हैं बाह्य कारण यह हो सकता है, कहता है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो वो उनकी तो इच्छा थी कि कहाँ जाना है उन्हें, वृंदावन, और बड़े उतावले थे, कब जा पाऊंगा मैं वृंदावन। पर उनकी माता ने कहा कि अभी आप वृंदावन चले जाओगे तो वृंदावन तो इतना दूर है, मुझे आपकी कुछ खबर भी नहीं रहेगी, तो कुछ जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो कृपया आप जगन्नाथपुरी में रहिए, क्योंकि वही भगवान जो कृष्ण है वह पुरी में जगन्नाथ के रूप में। अच्छा, धन महाप्रभु ने अपनी माँ माता की बात सुन के फिर पुरी आ गए। पर जब वे पुरी आए थे तो जो उत्साह, जो उतावलापन था कि उन्हें वृंदावन जाना है, उसी उत्साह उतावलेपन के साथ वे पुरी भी आए थे। तो उनके लिए पुरी और वृंदावन में कोई भेद नहीं था, इसलिए जब वे पुरी आए तो दर्शन देखा उन्होंने जगन्नाथ जी का, तुरंत वे बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। क्योंकि कब हम मूर्छित, साधारणतः मूर्छित कब होते हैं, जब हमारा शरीर हमारी चेतना और भावना को सहन नहीं कर सकता है। कभी कभी बहुत शारीरिक में दर्द हो गया है, शरीर में दर्द हो गया है, तो भी हम मूर्छित हो जाते हैं। या कभी कभी जब भावनाओं स्तर पे इतना आनंद या इतना दुख हुआ है तो वो भी हमारा शरीर महसूस नहीं कर पाता है शरीर, और फिर हमारी चेतना स्विच ऑफ हो जाती है। आनंद वृंदावन जम्पू में ऐसे बताते हैं कि जब रासलीला में कृष्ण राधा रानी को छोड़ के चले गए तो राधा रानी इतनी भाव विभोर, इतनी विचलित हो गई कि मानो कृष्ण ही उनके प्राण हैं। तो कृष्ण चले गए तो उसके साथ साथ उनका प्राण भी चला गया, तो उनका प्राण न चला जाए इसीलिए वहाँ पे कवि कर्णपुर कहते हैं आनंदावन चंपू में काव्यात्मक पद्धति से कि उनके प्राण को बचाने के लिए वहाँ पे उनकी योग माया ने योजना बनाई कि उनकी चेतना चली जाए, और इसीलिए वो बेहोश हो गए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में आए तो वो साक्षात कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। और चैतन्य रथ यात्रा तो प्राचीन उत्सव है, काफ़ी समय से चल रहा है, पर चैतन्य महाप्रभु उसमें जब सहभागी होते थे तो इतने दिव्य पद्धति से वो सहभागी होते थे, इतने दिव्य वो नृत्य क्या करते थे, वो उनका जो वो उसी जगह में रहते थे, और सारा जो जैसे हमारा अगर कृष्ण भावनामृत संस्था है तो हमारा सबसे बड़ा उत्सव है कौन सा है, हमारा जन्माष्टमी एक तरह से, तो जन्माष्टमी तो सारा जो साल है वह जन्माष्टमी के चारों ओर उसकी परिक्रमा होती है। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा जो थी उसके ही चारों ओर परिक्रमा हुआ करती थी। तो चैतन्य महाप्रभु का भी जो वहाँ पे वास था वो इस तरह से था, कभी उनको कहीं जाना भी हो तो भक्त कहते अभी ये जगन्नाथ जी का ही उत्सव आ रहा है, अभी ये उत्सव आ रहा है, अभी ये उत्सव आ रहा है, अब बात नहीं, अभी मत जाइए, अभी मत जाइए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु क्योंकि उस रथ यात्रा में बहुत सहभागी हुआ करते थे, इसलिए वह रथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और फिर अभी रथ यात्रा के साथ साथ क्या हो गया कि जो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्तगण थे जो मायापुर में रहा करते थे वो उनको बहुत विरह होता था, तो वैसे भी जगन्नाथ जी का दर्शन करना उनको बड़ा आनंद था, पर खास करके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकते, चैतन्य महाप्रभु का संग कर सकते थे, इसीलिए एक पूरी ट्रैवल पार्टी निकलती थी, बड़े संख्या में कई भक्त पूरे बंगाल से उड़ीसा आया करते थे, और उन सबको चैतन्य महाप्रभु को देखना आनंद था। पर सबसे बड़ा उस महत्वपूर्ण था रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु कैसे नृत्य करते हैं। तो वो जो अभी हमको अगर कहीं ट्रैवल करना है तो फिर वैसे काफ़ी आसान है प्रवास करना है, तो अभी तो इंटरनेट पे जाके बुकिंग कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोन में ही टिकट दिखा दो, तो अभी प्रवास करना बहुत आसान है। पर उसके लिए भी उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है कि कहाँ जाना है, कौन सा फ्लाइट बुक करना है, कौन सा ट्रेन बुक करना है, कैसे सब कुछ करना है।
मैं अभी कैलकुलेट किया था, अभी मैं दो दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से आया, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका कनाडा गया था मैं, न्यूजीलैंड, तो लगभग मैं 5 महीने गया था और लगभग हफ्ते में मैं 10 क्लास ले लेता हूँ, हर एक क्लास अगर 1.5 घंटा बोलते हैं तो 5 महीने में लगभग मैंने 200 घंटे बोला सॉरी एनीवे तो मैं हाउ मच विल इट बी 50 आवर्स पर वीक पर मंथ तो फिर लगभग 250 तो 250 घंटे बोला तो लगभग मैं कैलकुलेट कर रहा था कि ट्रैवल लॉजिस्टिक्स प्लान करने में लगभग 150 घंटे लगते हैं, मतलब जितना ट्रैवल करने का टाइम है लगभग उसका आधा टाइम ट्रैवल लॉजिस्टिक्स प्लानिंग में जाता है, कहाँ जाना है, यहाँ पे कोई उत्सव है, यहाँ पे ये रिट्रीट के लिए समय है, यहाँ पे ये गेस्ट आ रहे हैं, सब कुछ एडजस्टमेंट करने में। तो अभी हमको इतना समय लगता है इतनी सुविधा होते हुए भी, तो हम कल्पना कर सकते हैं 500 साल पहले जब कुछ सुविधाएं एक तरह से काफ़ी कम थी तो वहाँ पे योजना बनाना कितना मुश्किल हुआ, और वो योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी, शिवानंद सेन की थी। तो जो कोई भी भक्त सेवा करते हैं वो सेवा का महत्व जो है उसके संदर्भ में जाते हैं तभी समझ में आता है। एवरीथिंग इज ईजी टिल यू योर सेल्फ स्टार्ट डूइंग इट। सब कुछ आसान लगता है जब तक तुम खुद करना चालू कर दो उसको, खुद चालू करने लग दो फिर ये आसान काम नहीं है, इसको ये कर देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। तो तभी शिवानंद सेन जो थे भाई साथ, क्या होता है कि जब हम भक्तिमय यात्रा में जा रहे हैं तो तभी तो भाव होता है कि हमें उस तभी भगवान का स्मरण करना है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना है, भगवान के बारे में भाव विभोर हो जाना है। पर अगर तभी जब हम यात्रा को जा रहे हैं तभी किसी को बोलते हैं कि अभी आप मैनेजमेंट देखो सब कुछ, तो मैं मैनेजमेंट से छूटने के लिए सब कर रहा हूँ अभी, तो तभी वो सारे मैनेजमेंट के टेंशन से बचने के लिए उससे भगवान के स्मरण करना है। पर क्या होता है जब बाकी सब भगवान का स्मरण कर रहे हैं और हमें सब कुछ, अरे ये प्रसाद हो गया है कि नहीं, यहाँ पर रहने की जगह है कि नहीं, वहाँ पर वो है कि नहीं, तो फिर क्या होता है तभी उससे आसानी से रिजेंटमेंट आ सकता है। रिजेंटमेंट मतलब घृणा, एक तरह से मुझे क्यों करना पड़ता है ये। पर शिवानंद सेन का भाव क्या होता है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे, और उस समय जाना और भी मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि वो बंगाल जो था वो मुस्लिम रूल में था, वहाँ पे मुस्लिम राजा था और उड़ीसा में हिंदू राजा था, तो तनाव रहा करता था, और उसके कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना तो वो खास करके टोल नाका जो हुआ करते थे वहाँ पे, अगर कोई कैसे होता है कोई धार्मिक कारण से जा रहा है तो फिर एक भाव है कि ये धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं तो इनको हम मदद करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, वो एक धार्मिक भाव है। पर व्यावहारिक भाव क्या है, ये अगर धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं इसका मतलब है कि ये ज़रूर कुछ दान देंगे वहाँ पे, दान देंगे मतलब उनके पास पैसा है, तो अगर वो दान देने के जगह पे हम उनसे पैसा ले लेंगे। तो इसलिए क्या होता था जब भक्त जाया करते थे तो तभी काफ़ी समस्या हुआ करती थी, और उसके बावजूद शिवानंद सेन सब कुछ योजना बहुत ही अच्छी पद्धति से करते थे। और कभी क्या होता है कि सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ कब होती है कि जब हम सेवा करते हैं किसी की और हमारे अगर हम कुछ गलती करते हैं तो फिर और कोई हमें डांटता है तो भी हमको बुरा लगता है, पर अगर हमने अच्छा प्रयास किया है और कोई परिस्थिति ही हमारे खिलाफ है और उसके कारण अगर कुछ चीज़ अच्छे से नहीं होती है और तभी हमें डांट मिलती है तो फिर उसको सहन करना बड़ा मुश्किल आता है। तो शिवानंद सेन ये दर्शाते हैं कि ऐसे समय में हमें कैसे कार्य करना है। तो चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहा करते थे और उनके प्रधान पार्षद जो बंगाल से पुरी आया करते थे कौन थे वे,
नित्यानंद प्रभु. यस, नित्यानंद प्रभु जब आया करते थे तो फिर नित्यानंद प्रभु अपने दिव्य भाव में रहा करते थे. और एक बार श्वानसेन टोल नाका में वो अटक गए कि वहाँ पे बातचीत चल रही थी, वो ज़्यादा ही कुछ मांग रहे थे. और फिर नित्यानंद प्रभु को वहाँ पे रहने, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कुछ पता नहीं था. तो थोड़े नाराज़ हो गए, नाराज़ हो गए, फिर क्रोधित हो गए. और जब वे क्रोधित हो गए तो शिवानंद सेन जब सामने आई गए बाद में, तो फिर वो डांटने लगे उनको. और डांटने लगे, और न केवल उन्होंने डांटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चरण कमलों से उनको लात मार दी. अभी यह तो साधारणतया कोई, यह तो एक बड़ा अपमान कह देते. पर जब क्या होता है कि हमारी कृष्ण भावना तब भी असली में टेस्ट होती है, प्रकट होती है, जब हमें प्रोवोकेशन होता है. When everything is all right, anybody can be Krishna conscious. When everything starts going wrong, नहीं. When everything is all right, everybody can be Krishna conscious. And everything is all wrong, then also everyone can be Krishna conscious. पर जब बीच में होता है, कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हाँ भगवान का स्मरण करना आसान है, सब कुछ गलत चल रहा है तो भी मैं असहय हूँ, मैं क्या करूँ, तभी तो भगवान का स्मरण अभी उसका उसका कोई उसके परे कोई चारा ही नहीं है. पर जब बीच में होता है कि कुछ चीज़ें सही चल रही है, कुछ चीज़ें गलत चल रही है, तो तभी क्या होता है, तब हमें कोई डांटता है तो वो सहन करना बड़ा मुश्किल होता है. मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो हमारा जो जब हमको कोई उत्तेजन प्रोवोकेशन आता है, कोई उत्तेजन आता है, तभी हमारा कैसे प्रतिक्रिया होती है, वह उसे दिखता है कि कृष्ण भावना कितने हमारे अंदर गई है. मैं अमेरिका में था तो वहाँ पे एक व्यक्ति भक्त बने हैं. वह पहले जब यूएसएसआर था, सोवियत रशिया था, वहाँ पे वो सोवियत रशिया में जासूस थे अमेरिका के. तो वो अभी अभी भक्त बन गए हैं. तो बता देते कि तभी क्या होता है कि वो उनके से ट्रेनिंग हुआ करती थी, प्रशिक्षण होता था उनका, कि अगर आप सो रहे हो और जब आप सो रहे हो तो कोई आपको जोर से लात मार के उठाता है, तो तभी अभी साधारण था, कोई आपको नींद से उठाता है तो अभी आप नाराज़ हो जाते हो, लात मार के उठाएगा तो बहुत ही नाराज़ हो, क्रोध हो जाएगा. और तभी साधारण था पीपल कर्स, कुछ बुरा भरा बोल देते. तो वो उनका प्रशिक्षण ये था कि अगर आप नींद से भी उठेंगे, कोई लात मारेगा, तो अगर आप कुछ इफ़ यू कर्स, कोई बुरे शब्द भी बोलेंगे, वो आप रशियन में बोल रहे हो या इंग्लिश में बोल रहे हो. जब आप नींद से उठ के लात मारने पे भी गाली दोगे, तो अगर रशियन में गाली दोगे तभी आप रशिया में जाके जासूस बनने के लिए काबिल हो. तो हमने कोई चीज़ कितना अंतरंग किया है वह कब पता चलता है, कि जब हमको उत्तेजित करते हैं तो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तुरंत प्रतिक्रिया क्या होती है. तो शिवानंद सिंह जो थे अभी ऐसे परिस्थिति में, वह भी थके हुए थे, वह भी भूखे थे, वह भी अभी वो जो टोल लेने वाले थे उनसे बातचीत करके वो भी थक गए होंगे, तंग आ गए होंगे. पर तब ध्यान प्रभु ने आके उनको लात मारा. तभी वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि आपके जो चरण कमल है, यह प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि, ब्रह्मा जी इसकी अभिलाषा करते हैं, और ये चरण कमल आपने मुझे प्रदान किया. तो यह जो है भाव, यह बड़ा मुश्किल है. शिवानंद सेन से प्रार्थना कर सकते हैं कि इसका एक अंश भी हम में आ जाए, तो फिर हम हमारे जीवन में भक्ति में और अधिक स्थिरता से चल सकते हैं. तो शिवानंद सेन की, फिर इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्त, खास करके जो बंगाल के भक्त आते थे पुरी में. जब पुरी में आते थे तो मैं बताया था कि हम देखेंगे इसका महत्वपूर्ण क्या है, गौड़िया संप्रदाय का महत्व क्या. तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ स्थित थे, दूसरा था चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था. तो चैतन्य महाप्रभु ये एक भगवान के विलक्षण अवतार हैं. राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम से बताते हैं
कि राधा भाव द्युति सुवलितम। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं उन्होंने राधा रानी का भाव लिया है और उनकी द्युति, उनका जो रंग है, उनकी त्वचा ली है। द्युति सुवलितम नवमी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वास्तव में कौन है ये? कृष्ण स्वरूपम, स्वयं कृष्ण है पर वे राधा रानी के भाव में हैं। राधा रानी का भाव और राधा रानी की त्वचा, पर अभी इसीलिए उनको नाम गौरांग कहते हैं। तो उनका भाव क्या है? खास करके राधा रानी की जो कृष्ण की स्मृति है वह सबसे तीव्र तब होती है जब कृष्ण चले जाते हैं, और कब आने वाले हैं उसको के बारे में पता नहीं है। तो जब चैतन्य दीन दयार्द्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम तदलोक कातरम दयित भ्राम्यमि किम करोम्यहम्। वो जो भाव है आई दीन दयार्द्र नाथ है, हे प्रभो आप तो दीन जो आत्माएं हैं उनके प्रति आप दया करते हैं। मैं राधा रानी का भाव है कि मैं आपके विरह में बड़ी दीन अवस्था में हूँ, पर मुझ पे दया करने के जगह पे क्या हो गया है? मथुरा नाथ है, आप तो मथुरा के नाथ बन गए हो, आप मुझे छोड़ के चले गए हो। आई दीन दयार्द्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हे मथुरा नाथ मैं आपको कब देख पाऊंगा? कहूँगी कदा अवलोक्य से, कभी कब मेरे आँखों के पथ पे आपका दर्शन हो पाएगा। हृदयम तदलोक कातरम, जो आपको न देखने के कारण अलोक, लोक लोचन आँखें हैं, अलोक मतलब न देखना। हृदयम तद अलोक कातरम, मेरा हृदय घायल हो गया है, कट गया है आपको न देखने का। दैत भ्राम्यमि, मेरा मन अभी भ्रमित हो गया है, किम करोम्यहम्, अब मैं क्या करूँ? यह जो भाव है श्री कृष्ण से बहुत ही तीव्र विरह का भाव जो है, वह भाव में एक दिव्य प्रकार का आनंद है। यद्यपि वो विरह है और विरह एक तरह से दुख है, पर वो दुख में एक दिव्य आनंद है। कैसे है कि कृष्ण की स्मृति ये एक अमृत है, और अगर कृष्ण की स्मृति उनके संयोग में होती है तो वह एक मधुर अमृत है, और कृष्ण की स्मृति उनके विरह में होती है तो वह एक कटु अमृत है। अभी हम कैसे कड़वा अमृत कैसे हो सकता है, पर जो अमृत तो अमृत ही है, पर उसका स्वाद जो होता है उस समय कड़वा आता है। तो इसका उदाहरण है चैतन्य चरितामृत में कि जो कृष्ण प्रेम जो है वह बहुत गर्म गन्ने के रस के समान है। तो वो गन्ने का रस है, स्वादिष्ट है, मीठा है, इसलिए चाहिए, पर गर्म है, जल रहा है, इसलिए नहीं चाहिए। तो चैतन्य भगवान की स्मृति तो चाहिए पर भगवान से विरह नहीं चाहिए। पर उस समय जब विरह होता है तो स्मृति और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। ये क्या है? ये जो मटेरियल साइकोलॉजी है उसका ट्रांसेंडेंटल भाव है। हमारा जो मन है वह क्या हमेशा, द माइंड अंडर वैल्यूज व्हाट वी हैव एंड ओवर वैल्यूज व्हाट वी डोंट हैव। जो हमारे पास है वह हम देखते नहीं हैं, उसको ज़्यादा गणते नहीं हैं, और जो हमारे पास नहीं है वो गणते हैं। अगर कोई प्रसाद सर्विंग कर रहा है और मान लीजिए ये प्रसाद ऐसा है कि हर एक के प्लेट में अलग अलग स्वीट आइटम है, किसी के पास गुलाब जामुन है, किसी के पास जलेबी है, किसी के पास मालपोवा है, किसी के पास बर्फी है, तो हमारे प्लेट में जो है वो स्वादिष्ट है, पर हमारे प्लेट में है जो हमारा ध्यान उसकी ओर नहीं जाएगा, बाकी के प्लेट में क्या क्या है उसकी ओर हमारा ध्यान जाएगा, और इस तरह से हम असंतुष्ट रहते हैं। तो पर क्या है ये कहने का भाव, मतलब क्या है कि जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम अधिक उतावले होते हैं, उसके बारे में हमारी जो उत्साह, जो इच्छा होती है वो और बढ़ जाती है। तो ठीक उसी तरह से भगवान का जो संयोग होता है तो बड़ा आनंद होता है, पर भगवान का जब विरह हो जाता है तो उनके बारे में
उनकी स्मृति उनकी उनके बारे में उत्कंठा जो है वो और बढ़ जाती है. तो वो जो भाव है उसी भाव में कि राधा रानी है और उसी भाव में उसी भाव को महसूस करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का रूप और उनका भाव भाव स्वीकार किया है. और अभी जगन्नाथ जी जो है वो किस भाव में है, जगन्नाथ जी जी की जो है जगन्नाथ जी जगन्नाथ भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु ये है वो कृष्ण राधा के विरह में है. और यस चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा कृष्ण के विरह में. जगन्नाथ कौन है, कृष्ण राधा के विरह में. तो जब क्या होता है, हम कहानी जानते हैं, जैसे जो रोहिणी द्वारका वासियों को कृष्ण की लीलाओं के बारे में बता रही होती है, कृष्ण जब वहाँ पे नहीं है तो कृष्ण सुनते हैं, और जब सुनते हैं तभी क्या होता है वो इतने एकाग्र हो जाते हैं उसमें कि वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, कुछ भी मुझे और नहीं देखना है. जैसे अगर कोई लोग मूवी देखना चाहते हैं, भाई आजकल कोई भी मूवी है वो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं, पर फिर भी लोग काफ़ी पैसा खर्च करके थिएटर में जाते हैं, क्योंकि थिएटर में क्या होता है, नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इल्यूजन, कि मोह में जाने में कोई व्यत्यय नहीं आता है, कि इवन टू एंजॉय इल्यूजन यू नीड ऑब्जॉर्प्शन, देन व्हाट टू स्पीक अप टू एंजॉय डिवोशन. कि अगर मोह का भी भोग कर रहा है तो आपको उसमें लीन होना है, चेतना को अपने लगाना है, तो उसे भगवान के भी स्मृति को आनंद लेना है तो उसके लिए क्या एब्जॉर्प्शन जो है उसमें हम एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है. तब कहने का भाव यहाँ पे क्या है कि जब हम थिएटर में जाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक है एक लाइट बंद हो जाता है और दूसरा लाइट चालू हो जाता है, जो बाजू का लाइट है सब बंद हो जाता है तो बाकी कुछ भी नहीं दिखता है, और फिर एक लाइट चालू हो जाता है तो सारी चेतना आगे चली जाती है. तो जब हम किसी चीज़ में पूरा एकाग्र होना चाहते हैं तो फिर क्या होता है, जो भी चीज़ हमें हमें अगर उस व्यक्ति से हमारे ध्यान को दूर ले जा रही है तो फिर हम उससे दूर रहते हैं, तो हम उससे हम वी टर्न अवे फ्रॉम, उसको टर्न ऑफ कर देते हैं. मैं न्यूजीलैंड में था तो वहाँ पे एक भक्त है, वो अभी मुझे बताया कि वो बॉडी लैंग्वेज में PhD कर रहे हैं, पर अलग अलग चीज़ों में PhD होता है, अच्छी बात है. तो बता रहे थे कि अगर अभी तो फ़ोन बूथ होते नहीं हैं, पहले फ़ोन बूथ हुआ करते थे, अभी सबके पास मोबाइल होता है, पर अगर कोई मोबाइल पर बात कर रहा है तो अगर वो अभी यहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है और अगर अपने कमर पर हाथ रखे फ़ोन पर बात कर रहा है तो सारे ट्रैफिक को देखते हुए बात कर रहा है, और फिर वो अगर कोई दीवार है ट्रैफिक है यहाँ पे, वो पूरा ट्रैफिक से मुड़ के दीवार पे ध्यान रख के बात कर रहा है. तो बता रहे थे कि अगर वो दीवार की ओर रह के बात कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉबेबली वो अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, और दुनिया की ओर देख के बात कर रहा है तो वो अपने पत्नी से बात कर रहा है. उसमें क्या हो जाता है कि ऑफकोर्स ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब हम डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं तो क्या होता है, हम दुनिया से पूरा मुड़ जाते हैं. तो हम जो है शारीरिक स्तर पे कुछ करते हैं, जैसे हम दुनिया से दूर दीवार की ओर देखेंगे या हम थिएटर में चले जाएंगे, पर भगवान अगर किसी चीज़ में पूरा एकाग्र हो जाते हैं तो क्या होते हैं, भगवान का शरीर ही परिवर्तित हो जाता है. तो क्या होता है, जो भी उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो फिजेट करते रहते हैं ना, हाथ पैर उठाते रहते हैं, तो पूरा उनका हाथ पैर ही पूरा अंदर चला जाता है. और अभी क्या कर रहे हैं, वो अपने आँखों से उनकी आँखें बड़े हो जाती हैं, ताकि क्या हो सके, वह जो न केवल वो सुन रहे हैं पर अपने अंतरंग आँखों से वो उसको कल्पित कर रहे हैं. तो जगन्नाथ जी जो है इस तरह से पूरे एकाग्र हो जाते हैं. अभी हम कहेंगे कान से सुनना है तो कान बड़े हो जाने चाहिए,
पर ऐसे नहीं है कि कान जो होते हैं बड़े कान से ज़्यादा सुनना होता है ऐसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बड़े कान होते हैं ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं। तो क्या है कि वो इट इज़ साउंड जो चेतन महाप्रभु जो वे सुन रहे हैं, रोहिणी जो कथा बता रही है वह केवल वो अपने अंतरंग करणों से सुन रहे हैं, और जो बाह्य करण है वह और कोई ध्वनि सुन सकते हैं तो उसे हमें नहीं सुननी है। क्या होता है, हमारे आत्मा जो है वो केवल भगवान की काम भगवान की इच्छा करते हैं, पर जो हमारा मन है उसके सैकड़ों और इच्छा होती है, तो उसके बीच में जो है हम फंसे हुए हैं अभी, पर वहाँ पे पूरे एकाग्र हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि चैतन्य महाप्रभु इसी भाव में इसी जो विरह का प्रेम है वह अनुभव कर रहे हैं, और इसीलिए जगन्नाथ जी जो है वह विरह के भाव में है। अभी कृष्ण जब वृंदावन में होते हैं तो वहाँ पे विरह का भाव नहीं है, वहाँ पे संयोग का भाव है, वहाँ पे मिलन का भाव है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। पर अभी जब जगन्नाथ रथ यात्रा में चैतन्य महा अगर वो जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर आ रहे हैं उसका संग क्या है कि अभी जो गोपियाँ हैं वो अपने हाथों से वो रथ खींच के ले जा रही है कृष्ण को वापस वृंदावन में। तो वो जो भाव है कि अभी विरह है और विरह का अंत अभी होने वाला है, तो तभी उत्साह बहुत बढ़ जाता है। अभी अगर साधारणतया हम रोज के दिन अन्न को याद नहीं करते हैं उतना जितना हम उपवास के दिन याद करते हैं, पर अगर उपवास के दिन भी याद कर रहे हैं तो अभी पूरा 24 घंटे है उपवास को तोड़ने के लिए, तो फिर तभी अन्न की याद आती है पर उतनी नहीं आती है। पर मान लीजिए निर्जल उपवास किया है हमने और 7-13 को अभी फास्ट ब्रेकिंग है, तो अभी 7-5 हो गया है, 7-6 हो गया है, तो हम जप कर रहे हैं मुंह से कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, मन से पानी 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 बोल रहे हैं, तो जितना वो विरह के अंत अभी करीब आ रहा है तो फिर क्या उस चीज़ की स्मृति और बढ़ जाती है। तो अभी जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा पे जगन्नाथ रथ पे आ गए हैं मतलब क्या है वो विरह है, विरह का अंत होके अभी मिलन होने ही वाला है। और मिलन भी कैसे है, एक तरह से कह सकते हैं कि गोपियाँ कृष्ण को देख रही है, अगर गोपियाँ ही रथ को खींच रही है तो वो कृष्ण को देख रही है, तो मिलन हो गया है। पर क्या है कि हर एक प्रकार के रिश्ते के लिए एक उचित माहौल ज़रूरी है। तो मतलब क्या है कि अगर कोई माता और अपने बच्चे का प्रेम है तो फिर वह अगर जो माँ अगर स्कूल में है तो वो अपने बच्चे पे उस तरह से वो प्रेम नहीं व्यक्त कर सकती जैसे अपने घर में कर सकती है, क्योंकि क्या है वो माहौल वहाँ पे अलग है। तो उसी तरह से जो गोपियाँ हैं वह कृष्ण से मिलन तभी महसूस करेगी जब वो कृष्ण वृंदावन के माहौल में, तो अभी हम वृंदावन जा ही रहे हैं वह भाव है, जल्दी ही वृंदावन पहुँच जाएगी और मिलन हो जाएगा। तो रथ यात्रा में जो विरह भाव है उसकी पराकाष्ठा प्राप्त होती है, इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु का भाव है रथ यात्रा का भाव है वह बिल्कुल एक ही है, इसलिए भी रथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें आता है कि जो सरदामोदर जो थे सरदामोदर गोस्वामी वह वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है बताते हैं। एक बार सरदामोदर गोस्वामी और श्रीवास पंडित में एक बहस हो जाती है, वह कहते हैं कि देखो वैकुंठ में तो ऐश्वर्य इतना बड़ा बड़ा है, बड़े बड़े महल है जेवर है, पर वृंदावन तो बहुत ही साधारण है। अभी सरदामोदर गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य जो है वह है प्रेम ही। अभी कैसे होता है कि हमारे जब हमारे पास पैसा होता है तो when we have money our friends know us, when we have no money then we know our friends
मतलब क्या, जब हमारे पैसा होता है तो सारे लोग बोलते हैं, ए तुम पता है हम मिले थे एक समय में, हम बचपन में साथ थे, आवर फ्रेंड्स नो अस। जब किसी के पास कोई ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, तो तभी अभी कौन असली मित्र है पता चल जाता है, जब किसी के पास कुछ भी नहीं है, जब हमारे पैसा नहीं है, तो मैं जानता हूँ तुमको कब मिले थे मुझे याद नहीं है। लोग ऐसे रहते हैं कि जान के वो अनजाना बना जाते हैं, तो फिर तभी जो हमारे साथ रहते हैं वो असली मित्र हैं। तो जो जब ऐश्वर्य नहीं है, तभी जो मैत्री रहती है, तभी जो स्नेह रहता है, वह वास्तव में असली स्नेह है। इसका मतलब ये नहीं कि वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है, वृंदावन में जब भी ऐश्वर्य की ज़रूरत पड़ जाती है तो भगवान की इच्छा से, योग माया की इच्छा से जितना भी ऐश्वर्य चाहिए वो तुरंत प्रकट हो सकता है। पर वृंदावन में ऐश्वर्य ही प्रधान नहीं है, उसमें प्रेम प्रधान है। जैसे 11वें अध्याय भगवद्गीता का 11वें अध्याय कौन सा है किसी को पता है? यस, विराट रूप दर्शन, विश्व रूप दर्शन जो है। तो अभी उसमें प्रभुपाद जी एक बड़ा ही दिलचस्प तात्पर्य में कौन बोलते हैं कि अ डिवोटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग सच अ गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ ऑप्यूलेंस। कि जब अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, कि बहुत से मुंह है, बहुत से सिर है, उसमें हर से बहुत से मुकुट है, बहुत से हाथ है, बहुत से पैर है, तो यह जो है इस दर्शन करने में भक्ति रुचि नहीं होती है। भक्त भगवान का सुंदर जो दो हाथ वाला रूप है वो देखना चाहते हैं। पर यहाँ पे जो शब्द प्रभुपाद जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़े दिलचस्प है कि इस तरह डिवोटी नॉट इंटरेस्टेड इन गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ ऑपुलेंस। गॉड इज डिस्प्लेइंग हिज ऑपुलेंस, भगवान ही अपना ऐश्वर्य दर्शा रहे हैं। विश्वरूप जो है वह भगवान का ही ऐश्वर्य है, पर भगवान कह रहे हैं कि ये भगवत रहित ऐश्वर्य का दर्शन भक्त को कोई रुचि नहीं होती। ये प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये वृंदावन के भाव में कह रहे हैं। ये स्नेह जो अर्जुन का भी, वृंदावन का भाव भले ही नहीं हो पर उनका उनका वो अर्जुन के सखा, कृष्ण के सखा है, तो उनको उस भाव में देखना है। तो उस तरह तो यहाँ पे जो वृंदावन में जो ऐश्वर्य न होते हुए सर्वोच्च ऐश्वर्य प्रकट होता है, तो यह स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है वह समझाते हैं। तो इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य है, और वह ऐश्वर्य होना ज़रूरी है एक तरह से, क्योंकि यह भौतिकवादी लोग वह ऐश्वर्य को नहीं, ऐश्वर्य को ही देखते हैं। पर जो है इस भौतिक ऐश्वर्य से जो सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य है, भक्ति का ऐश्वर्य, प्रेम का ऐश्वर्य, उस तक पहुंचना ये आसान चीज नहीं है। कई लोग जो है इसी इस भौतिक जगत के ऐश्वर्य से ही आकर्षित हो जाते हैं और उसमें ही फंस जाते हैं। तो स्वरूप दामोदर जो थे, एक तरह से वो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे, एक तरह से चैतन्य महाप्रभु के वो स्पिरिचुअल गार्ड थे। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था कि अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, हम भगवत नाम जानना चाहते हैं, तो फिर माया इतनी प्रबल क्यों है? प्रभुपाद जी ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा जो उद्देश्य प्रबल नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य भगवान के पास जाना ये प्रबल नहीं है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि माया का ये माया की जिम्मेदारी है कि नो वन हु वॉन्ट्स टू बॉदर कृष्णा शुड गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ओनली दोज हु वॉन्ट टू सर्व कृष्णा शुड गो देयर। जो भगवान को परेशान करना चाहते हैं, ये करो ये करो ये करो, वो ऐसे लोगों को भगवान के भगवद्धाम जाने के लिए सुविधा नहीं है। तो उसी तरह से क्या है, स्वरूप दामोदर जो थे वो ऐसे गेट कीपर थे। अभी कई भक्त ऐसे हुआ करते थे कि वो बड़े सुंदर रूप से भगवान का गुणगान किया करते थे, और जब भगवान का गुणगान किया करते थे तो फिर वह कोई कविता लिखते थे, वो कोई नाटक लिखते थे, और फिर जब लिखने के बाद क्या, वो चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। तो अभी क्या चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, यह फैसला कौन करता था? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। चैतन्य चरण का अंत लीला में आता है कि किस तरह से एक बंगाल से ब्राह्मण आए थे, और उन्होंने बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी के दोनों का गुणगान करते हुए, और सब भक्त बड़े बड़े उसका प्रशंसा कर रहे थे। पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोले कि ये जो है यह अपसिद्धांत है। उसको बताया था कि कैसे,
जो जगन्नाथ जी जो शरीर है उनकी जो आत्मा है उनकी जो सचेतन जो है वह चैतन्य महाप्रभु है। तो जगन्नाथ जी वो मंदिर में है और चैतन्य महाप्रभु बाहर है। तो उन्होंने कहा कि जो जगन्नाथ जी का शरीर है वो दिव्य है, उनको आप अचेतन नहीं कह सकते। कई समस्या थी उसमें। तो क्या है कि ये द कैपेसिटी टू फाइंड फॉल्ट्स इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ, कि अगर कोई चीज़ उचित दर्जे पे नहीं है, जो उचित काव्य नहीं है, उचित संगीत नहीं है, उचित श्लोक नहीं है, यह उसमें अच्छा ये उसमें दोष देखना यह भी एक शक्ति है, यह भी एक प्रज्ञा है, यह भी एक प्रतिभा है। पर क्या होता है जो लोग ऐसे होते हैं, दोज हु हैव द कैपेसिटी टू फाइंड फॉल्ट्स दे मेक इट देयर ओनली कैपेसिटी। कभी कुछ लोग दोष देख सकते हैं वो ठीक है, पर कुछ लोग दोष के अलावा कुछ देखते ही नहीं है। और जो लोग बाकी सब लोग कहते हैं कि ये अच्छा है, बोले नहीं नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, ओ आप इतना एक्सपर्ट हो आप दोष भी देख सकते हो, तो फिर क्या होता है इस तरह से अगर उसमें अहंकार आ जाता है कि बाकी सब जो लोग हैं ये सही भावुक हैं, उनको समझ नहीं आता, मुझे तत्व ज्ञान समझ में आता है, मैं जानता हूँ सही क्या है गलत क्या है। तो अगर सही में किसी का तत्व ज्ञान पता है तो अच्छी बात है, और अगर कोई किसी चीज़ में कुछ गलत है तो बताना महत्वपूर्ण है, पर वह संवेदनशीलता का बताना है और इस तरह से बताना है कि वह व्यक्ति का जो भाव है वह वो जो उत्साह है वह खराब ना हो। हम देखते हैं कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी जब वो दोष भी बताते हैं, ऐसे नहीं है कि वो वो अभी वो ब्राह्मण ने अपना श्लोक बता दिया है और सारे भक्त उसका गुणगान कर रहे हैं, पर स्वरूप दामोदर तुरंत उत्साह ही नहीं है, अरे उसने गलत बताया है, उसने गलत बताया है, नहीं सब भक्त बोलते हैं बोलने दो, वो कुछ नहीं करते। वो ब्राह्मण बोलता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रदर्शित करना चाहता हूँ। स्वरूप दामोदर को पता होता है कि थोड़ा गलत है इसमें, पर क्या है वेन डू वी हैव अ राइट टू फाइंड फॉल्ट, वेन वी गेट नो जॉय इन पॉइंटिंग आउट द फॉल्ट। कब हमें अधिकार है किसी को कोई दोष देने का, जब वो दोष बताने में हमें कोई आनंद नहीं मिलता है। ऑफकोर्स वही केवल एक अधिकार नहीं है, पर फिर भी वह एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे अहंकार को आनंद मिला, देखा आई कॉट यू, पकड़ लिया तुमने गलती की है, तो तभी हमें दोष नहीं देखना चाहिए। स्वरूप दामोदर क्या करते हैं, एक बार दो बार वो बोलते हैं कि मैं ये आपको दर्शाना चाहता हूँ, स्वरूप दामोदर नहीं 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 बोलते हैं, बाद में बहुत जोर देते हैं, तभी स्वरूप दामोदर सुनते हैं, और जब सुनते हैं तभी बोलते हैं, और न केवल वो दोष निकालते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप भागवत का श्रवण कीजिए एक व्यक्ति भागवत से, आप भक्ति से भक्ति का सिद्धांत है वो उचित भक्तों से समझिए फिर गुणगान कीजिए। तो केवल दोष नहीं निकालते हैं, फिर उसके बाद में दोष को कैसे परे करना है जाना है उसके बारे में बताते हैं। तो स्वरूप दामोदर जो है वह चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत ही उनके अंतरंग पार्षद है, और चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है वो भाव में कोई व्यत्यय न करे वह उसके लिए वो गार्ड करते हैं। तो जिस सेक्रेटरी होता है तो कोई भी किसी से मिल, कोई बड़े व्यक्ति से मिलना है तो कोई भी आके नहीं मिल सकता, सेक्रेटरी से पहले अपॉइंटमेंट लो फिर आके मिलो। तो चैतन्य तो प्रभुपाद जी लिखते स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे। तो सेक्रेटरी मतलब केवल उनसे मिलने की बात नहीं थी, पर उनके भाव में कोई व्यत्यय न आए, कोई रसाभास न निर्माण करे। तो वह जो स्वरूप दामोदर इस तरह से बहुत ही अंतरंग पार्षद है चैतन्य महाप्रभु के। स्वरूप दामोदर गोस्वामी की आखिरी पॉइंट के साथ मैं विराम करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु का जो योगदान था, जो प्रधान योगदान, वो हम देख रहे हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में और गौड़िया वैष्णव का संप्रदाय का क्या संबंध है। तो पर्पस प्लेस पर्पस एंड प्रोसेस, प्लेस की पूरी का क्या महत्व है, पर्पस उनका जो उनके अवतार का भाव क्या था, विरह भाव, वो देखा, और फिर ये प्रोसेस। अभी वृंदावन में कथा गानम नाट्यम गमनम, ऐसे बताया गया कि जब लोग बोलते हैं तो वो गाते हैं, जब चलते हैं तो वो नाचते हैं।
तो कृष्णा कालिया पे बड़ा ही अप्रतिम नृत्य करती है और कृष्ण गोपियों के साथ जो है रासलीला में बड़ा ही अद्वितीय नृत्य करते हैं। तो अभी रथ यात्रा जो होता था वो प्राचीन इन समय से चल रहा है और जो भक्त है वहाँ पे अपने हाथों से रथ को खींचा करते थे जैसे गोपियाँ खींचती हैं। पर चैतन्य महाप्रभु ने क्या अद्वितीय वहाँ पे योगदान किया कि जो नृत्य भक्ति जो भक्ति में नृत्य कैसे करना है और नृत्य कैसे इस तरह से करे कि सबका मन मोहित हो जाए वह चैतन्य महाप्रभु दर्शन है। जो गोपियों का भाव था जब हम नृत्य कब करते हैं जब हमें बड़ा आनंद हो रहा है तो डांस इज अ स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एक स्वाभाविक प्रकटीकरण है आनंद का। तो चैतन्य महाप्रभु गोपियाँ जब कृष्ण को लेके वृंदावन आ रही है तो बड़ा आनंद हो रहा है उनको तो वे कृष्ण के स्वागत के लिए और उस आनंद में नृत्य कर रही है। चैतन्य महाप्रभु ने जो नृत्य करके भगवान का गुणगान करना जो है वह जो पद्धति का अभी उनके पहले भी थोड़ा बहुत हुआ कर रहा था पर चैतन्य महाप्रभु ने उसको बहुत जोर दिया है और उसको बड़े ही विस्तार मात्रा से प्रतिपादन किया है। कई मंदिर जो साउथ दक्षिण भारत में वगैरह मंदिर जो होते हैं उसमें क्या होता है जब भगवान की आरती होती है तब आप आरती का दर्शन करो कभी कीर्तन भी होता है तो क्या होता है उसमें कोई श्लोक कोई ऐसे म्यूजिक कोई वाद्य बजाए जा रहे होते हैं पर कुछ गाते नहीं हैं कोई गाते हैं सिर्फ एक व्यक्ति गाता है तो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है हमें गाने का मौका नहीं होता तो क्या है तभी भगवान जो परम पुरुषोत्तम है उनकी पूजा हो रही है तो एक गंभीरता का वातावरण है वह भाव उचित है जब हम विष्णु की पूजा कर रहे हैं पर जब कृष्ण है कृष्णा इज गॉड एट होम वो भगवान घर में है और तो घर में क्या है वहाँ पे तो स्पॉन्टेनिटी आनंद है और जो आनंद का भाव है वो नृत्य से करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो इतना आकर्षक होता था वो नृत्य कि सब कुछ लोग भूल जाते थे और दूर दूर से लोग आते थे जगन्नाथ जी तो केवल दर्शन करने के लिए नहीं पर चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते का दर्शन और यहाँ तक कि ये नासी जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मिता जो कृष्णदास तिरुवेदी स्वामी हैं उन्होंने जो है चैतन्य चरितामृत बंगाली में लिखा हुआ है पर हर अध्याय के पहले श्लोक में उन्होंने उस अध्याय का सार एक संस्कृत श्लोक में बताया और तो रथ यात्रा का जो 13वां अध्याय है मध्य लीला का उसमें जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि उनका नृत्य ऐसा था कि जगन्नाथ जी भी आश्चर्यचकित हो गए। तो जैसे गोपियाँ कृष्ण नृत्य करती है रासलीला में ऐसे वैसे ही चैतन्य महाप्रभु अभी कृष्ण वृंदावन वापस आ ही रहे हैं और आने के बाद कैसा दिव्य आनंद का अनुभव होगा वह भाव रख के वह वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। तो यह जो चैतन्य महाप्रभु का योगदान है वही योगदान आगे हमारे संप्रदाय के आचार्यों ने और खास करके श्री प्रभुपाल जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे विश्व भर में प्रस्थापित की है। एक बार प्रभुपाल जी लंदन में थे और वह बहुत उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी तो वो बोले कि वो रथ यात्रा होने वाली थी पर बोले ठीक है मैं आ जाऊँगा वो बोले शायद मैं आ भी नहीं पाऊँगा पर मैं आने का प्रयास करूँगा और प्रभुपाल जी न केवल आए पर उन्होंने देखा कि ट्रफाल्गर स्क्वायर में बड़ा ही रथ यात्रा चल रहा है तो फिर प्रभुपाल जी को इतना दिव्य आनंद हुआ जब पाश्चात्य देशों में जब खास करके ब्रिटिश भारत पर राज्य कर रहे थे तो जगन्नाथ वॉज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द इग्नोरेंस दैट अंडरले द वर्शिप ऑफ द प्रिमिटिव हिंदूज मतलब अभी जो वो ब्रिटिश लोग कहा करते थे कि हिंदू लोग कितने प्रिमिटिव कितने अंधश्रद्धा करने वाले हैं कितने बुद्धिहीन हैं उसका सबसे बड़ा प्रतीक क्या है कि जगन्नाथ जी की पूजा है। बोले वो कहते कि जगन्नाथ कृष्ण का रूप तो एक बहुत ही आकर्षक लगता है जगन्नाथ जी का वो कहते ये क्या है बड़ी बड़ी आंखें है चेहरा है हाथ नहीं है पैर नहीं है
और ऐसे 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 चित्र के सामने, ऐसे मूर्ति के सामने तुम नाचते हो, नाचते हो, गाते हो, न केवल एक दो करो, लाखों लाखों की मात्रा में। ये मूर्खता एक दो लोगों में होगी तो ठीक है, पर लाखों की मात्रा में मूर्खता है, मतलब ये धर्म ही मूर्ख लोगों का है, ऐसा उनका भाव था। तो जगन्नाथ की पूजा यह उनके लिए सबसे भारत हिंदू धर्म के अज्ञान का एक प्रतीक था। पर प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की शक्ति से क्या हुआ था, अब प्रभुपाद जी भी जानते थे, क्योंकि क्या है कि प्रभुपाद जी जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में थे तो तभी वो बाइबल सीखते थे, और जब वो बाइबल सीखते थे तो वहाँ पे बाइबल सीखते समय उनको हिंदू धर्म की निंदा भी हुआ करती थी। क्या जब भी वो सिखाते थे तो कि कैसे हमारे बाइबल आपके ग्रंथों से ऊंची है। तो प्रभुपाद जी जहाँ लंदन में गए, और जो ब्रिटिश लोग कहते थे कि ये जगन्नाथ जी की पूजा भारत के अज्ञान का प्रतीक है, वही ब्रिटेन में वही जगन्नाथ अभी आए हैं, और वही ब्रिटेन के लोग वहाँ पर जगन्नाथ के सामने नृत्य कर रहे हैं। तो जो एक सांस्कृतिक पराक्रम है, सांस्कृतिक विजय है, वह प्रभुपाद जी के जीवन का एक बहुत ही प्रधान प्रधान मूमेंट, प्रधान पल था, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लंदन में हुआ। प्रभुपाद जी बड़े थके हुए थे, पर जब उन्होंने देखा कि जहाँ तो आँखें देख रही है लोग ही हैं, और सब उस समय भारत से इमिग्रेंट ज़्यादा नहीं थे, तो सब ब्रिटिश लोग ही थे, तो प्रभुपाद जी से दिव्य शक्ति का संचार हो गया। प्रभुपाद जी जब उस दिन मन अपने अपने कमरे से बाहर आए थे तो उनको शक्ति नहीं थी चलने की, और उनके जो आप उनके जो सर्वेंट थे बाजू में रह कर रहे थे कि प्रभुपाद गिर न जाए, पर रथ यात्रा के सामने आ गए, प्रभुपाद जी में ऐसा शक्ति आ गई कि वो नृत्य करने लग गए जगन्नाथ जी के सामने। और पूरा रथ यात्रा जब चल रहा था नृत्य करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, और जो भक्त वहाँ पे थे, मैं भी गुरुदास प्रभु से मिला था, बताया था कि जो भी ऐसे जब मंदिर में कीर्तन होता है तो एक्सटेसी होती है, रथ हम बाहर जब कीर्तन करते तो थोड़ा एक्सटेसी होता है, रास्ते में जाके कीर्तन करते हैं, पर उस समय प्रभुपाद जी को नृत्य करके करते हुए देख के पूरे जो हजारों हजारों लोग थे वहाँ पूरे दिव्य भाव के भाव में लग्न हो गए थे एक तरह से। तो न केवल प्रभुपाद जी का एक्सटेसी था, पर प्रभुपाद जी का जो दिव्य भाव था वो उनके हृदय से, उनके नृत्य से सब लोगों को अप्लावित कर रहा था। उस तरह से जो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना अमृत दिया है, उसी तरह उससे हम सबको हमारा हृदय कृष्ण भावना से आप्लावित करके दूसरों को भी उनका हृदय कृष्ण भावना में आप्लावित करने का हमें सबको बड़ा मौका है। तो यही जगन्नाथ रथ यात्रा का दिव्य महत्व है, और यह श्री प्रभुपाद जी की एक दिव्य भेंट है। सारांश में आज हम चर्चा की किस तरह से कि हमें शुरुआत में विषय ये था कि गौड़ीय संप्रदाय में रथ यात्रा का महत्व, और उसे शुरुआत में इस तरह से कि कैसे इतिहास और स्मृति ये दोनों अलग है, पर जो इतिहास में हुआ है आध्यात्मिक जो है वो अगर हमारे स्मृति में हम लाते हैं तो फिर क्या है, वो स्मृति हमारा एक खजाना बन जाता है। और जो हमारे रोज के जीवन में हम कार्य आजकल के कार्य में वर्तमान और भविष्य के कार्य में लगे रहते हैं, तो जो उत्सव होते हैं उसमें हमें हमारी चेतना भूत में जाती है और हम उसकी स्मृति करते हैं, जो इतिहास में है उसको हम उसको स्मृति में लाने का प्रयास करते हैं। तो उसके बारे में चर्चा की किस तरह से चैतन्य महाप्रभु वो लगभग 24 साल सबसे ज़्यादा समय अपने भक्ति का शुरुआत करने के बाद पुरी में ही रहे थे, इसलिए पुरी का बहुत महत्व है हमारे लिए। और शिवानंद सेन के हमने उनका त्याग देखा किस तरह से बाकी सब आनंद ले रहे जाने का एक धाम में, पर वह सारे मैनेजमेंट का योजना कर रहे हैं सारे। और हमारी जो कृष्ण भावना है कब कब परीक्षित होती है, जब हमें उत्तेजित करता है तो, और जब हम अच्छी तरह सेवा करने के बाद भी हमें कोई डांटता है तो क्रोधित होना बड़ा आसान है, पर शिवानंद सेन तभी भी शांत रहते हैं और तभी भी कृतज्ञ रहते हैं, और यह उनकी महानता है। फिर हम देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का जो प्लेस फिर पर्पज जो उद्देश्य है क्या है, कि कृष्ण के विरह में राधा रानी का जो भाव है वह महसूस करना है, और रथ यात्रा में क्या है
वो कृष्ण उसी विरह के अंत की अपेक्षा कर रहे हैं और राधा रानी जो चैतन्य महाप्रभु है वो भी अभी विरह का अंत होने ही वाला है। तो इसीलिए विरह के भाव का जो पराकाष्ठा है वह रथयात्रा में दर्शाया है। चैतन्य महाप्रभु के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव था। और देखा कि सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है, प्रेम का ऐश्वर्य है। बाकी सब ऐश्वर्य का उद्देश्य है कि हमें प्रेम तक पहुंचा सके। और वही प्रेम की पराकाष्ठा, चुके प्रेम जो है कृष्ण प्रेम कैसे सर्वोच्च ऐश्वर्य है, यह स्वर दामोदर दर्शाते हैं अपने स्वयं के भाव से। और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को उनके भाव में कोई व्यत्यय न करें। वह ये शिवास ठाकुर पहले शिवास ठाकुर से बातचीत करते हैं और फिर जो बंगाल ब्राह्मण आता है उसको चैतन्य महाप्रभु से मिलने से रोकते हैं। दोष देखना यह भी एक प्रतिभा है, पर केवल दोष ही देखना यह प्रतिभा नहीं है। दोष कब देखना है, दोष किस तरह से बताना है, और दोष देखने के बाद कैसे उसका हल करने का मार्गदर्शन देना है, यह सब भी महत्वपूर्ण है। सब श्रद्धाओं स्वामी में दर्शाते हैं। और फिर आखिरी चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के गुणगान तो काफ़ी समय से हो रहा है, रथ यात्रा काफ़ी समय चल रही है, पर जो नृत्य करके भगवान का गुणगान करना और चैतन्य महाप्रभु का खास विषय जो नृत्य था वह दर्शाना, वह चैतन्य महाप्रभु का एक विशेष योगदान था। और जो चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान है वो प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा के द्वारा पूरे विश्वभर में किया है। और ख़ास करके जो अंग्रेज लोग कहते थे कि ये जगन्नाथ जी की पूजा भारत के धर्म के अज्ञान का प्रतीक है, वही अंग्रेजों को प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा में सैकड़ों हजारों की मात्रा में भक्ति के नृत्य में रथ यात्रा में लगाया। तो ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा है और वह कृपा हम सब के पास भी आज है। इसके द्वारा हम भी हमारे हृदय को और हमारे साथ दूसरे जो हैं उनके साथ सबके हृदयों को भक्ति से आप्लावित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु की, श्री जगन्नाथ यात्रा महामहोत्सव की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, ताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।